अनुराग। आप लोग? बेटा हम तुम्हारी माँ हैं। देखिए मैं रागिनी के अलावा और किसी को नहीं जानता। मुझे उसका सिर्फ नाम पता है और उससे मेरा क्या रिश्ता है मुझे ये भी नहीं पता। हम रागिनी आपकी धर्म पत्नी, आपका हमसे शादी हुआ है। तुम रागिनी हो? एक सेकंड, हमारी शादी कब हुई? बेटा देखो, हाँ तुमको ना हम याद नहीं है, लेकिन ये हमारे हाथ का बनाया हुआ खाना, उसका महक जरूर है, याद होगा। तुम एक काम करो, तुम ये खाना खा लो ना, खाने का महक जरूर है, याद होगा। ये खाने से ना तुमको सब कुछ याद आ जाएगा बेटा। देखिए यहाँ बाहर का खाना अलाउड नहीं है, पेशेंट को हॉस्पिटल से खाना मिलेगा। अरे हमारा बेटा हमारे हाथ का खाना नहीं खाएगा तो उसको याद कैसे आएगा? अरे सत्यानाश हो तुम्हारे अस्पताल का नियम का। हम तो श्रीमती जी शांत हो जाइए। तुम बिल्कुल परेशान मत हो बेटा। तुम भले हम सबको पहचान नहीं पा रहे हो, पर हम सब तुम्हें बहुत अच्छा से पहचानते हैं। तुम हमारा बड़ा बेटा अनुराग हो, हमारे परिवार का शान। और देखना बेटा, तुम बहुत जल्दी एकदम अच्छे हो जाओगे, फिर तुम हम सबको पहचानने भी लगोगे। तब तक तुम आराम करो। सुनिए इधर आइए, इधर आइए। देखिए श्रीमती जी, अभी अनुराग बीमार है, अगर आप उसको अपना परेशानी दिखाएंगे तो और परेशान हो जाएगा। तब मैं सही कह रहे हैं आप, हम ना अनुराग के लिए माता जी का मन्नत मांग कर आते, जल्दी से ठीक हो जाए। भैया भौजी को हम मंदिर लेके चले जाते हैं, अब रागिनी तो यहाँ है, ये है ना, अनुराग का देखभाल कर लेगी। आप भी घर जाइए, दिव्या और बिशु घबरा रहे होंगे। चले भौजी। मिस्टर जी,
होगा भैया, और कितना परीक्षा लोगी हमारे परिवार की। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसका दंड हमें दो, लेकिन हमारे अनुराग को अच्छा कर दो। सृष्टि जी, सृष्टि जी, नहीं सृष्टि जी, सृष्टि जी आप कहाँ जा रही हैं? सृष्टि जी रुक जाइए ना, सृष्टि जी, नहीं सृष्टि जी, सृष्टि जी। बहुरिया, दादी जी, हम इस घर में अपने चरित्र पर लगा दाग मिटाने आए थे, और इसे करने की कोशिश में ना चाहते हुए भी आप सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई, जिसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन अब इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। आप ही बताइए हमें इस घर में क्यों रहना चाहिए? इसलिए बेटा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि तुम यहीं रुको। सृष्टि, जो हो गया उसे बिसराकर आगे बढ़ने वाले को समझदार माना जाता है, और हमारी समझ में तुम एक समझदार लड़की हो। दादी जी, समझदारी तो इसी में है कि एक बेमतलब के रिश्ते से बाहर निकला जाए। हमारा रिश्ता तो वैसे ही खोखला था, तो उसे आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सृष्टि जी, आपने ही तो कहा था ना कि रिश्तों का मतलब होता है, मतलब के लिए रिश्ते नहीं होते। फिर आप कहाँ रिश्तों में मतलब ढूंढ रही हैं? विशु जी, हमने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन हम समझ गए सृष्टि जी कि आपने हमें दिल से माफ नहीं किया, इसलिए कोई बात नहीं सृष्टि जी। विशु जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं, हमने सच में आपको दिल से माफ किया है। आप प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमें जाना होगा। तो फिर क्यों जाना होगा सृष्टि जी? अब तो हमारी दोस्ती भी हो गई है ना, फिर काहे अपने दोस्त को छोड़कर जाना चाहती हैं आप? जब भी जाना चाहती तो जाने दो ना। अगर ये रुकना भी चाहेगी ना, तो हम इसको रुकने नहीं देंगे। जाओ, जहां जाना चाहती वहां जाओ, इस घर का कोई सदस्य तुमको नहीं रोकेगा। हाँ, ये कहीं नहीं जाएगी। इसे इस घर में ही रुकना होगा। अगर आप लोग चाहें तो भी इसे इस घर से निकाल नहीं सकते, और अगर ये भी चाहेगी तो भी इस घर को छोड़ नहीं सकते। वकील बाबू, हम पूछते ही कहां का कानून है? जब खुद ही जाना चाहती है और हम चाहते नहीं कि यहां रुके, तो आपको क्या दिक्कत है? भाभी जी, आप जरा हमारी बात समझने की कोशिश। अरे, आप समझदारी वाला बात करेंगे तभी ना समझेंगे। आप हमारे वकील हैं और आपका जिम्मेवारी बनता है हमारे बेटा का इससे तलाक दिलवाने का। नहीं मां, हमें तलाक नहीं चाहिए। देखिए वकील बाबू, जब ये सब काम अपने आप ही हो रहा है ना, तो आपको इससे दिक्कत का हो रहा है? भाभी जी, हम आपके ही वकील हैं, और इसी नाते हम जो भी कोर्ट का आदेश है वो आपको सुना रहे हैं। देखिए, अगर हम सब लोग यही चाहते हैं कि सृष्टि और विशु का तलाक हो जाए, और वो भी इनकी सहमति के आधार पर, तो ये बहुत जरूरी है कि ये दोनों एक ही छत के नीचे कम से कम 6 महीने का समय एक साथ गुजारे। अरे, कैसा आदेश निकलवाया है वकील बाबू? इस लड़की को हम ना 6 मिनट में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और 6 महीने का बात कर रहे हैं आप? देखिए भाभी जी, अगर आप चाहती हैं कि इन दोनों का तलाक हो जाए, तो ये तो करना ही होगा, और यही कानून है, और इस कानून को
सृष्टि भी जानती है। आप सही कह रहे हैं वकील साहब, हम जानते हैं कि डिवोर्स के लिए हमें यहाँ 6 महीने रुकना होगा, लेकिन हमारे रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, तो 6 महीने का समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। सृष्टि बहुरिया, जब तुम अपने माथे पे लगा कलंक साफ कर चुकी हो तो फिर तुम्हें जाने का क्या जरूरत है? दादी जी, जिन रिश्तों में विश्वास ना हो उन्हें रोज कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। आज एक कलंक मिटा है तो कल दूसरा लग जाएगा। सृष्टि, तुम हमें अपना गुरु मानती हो, तो फिर आज तुम्हें हमें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। जी बताइए क्या करना होगा। विश्व जी, हाथ दीजिए। सृष्टि, हम चाहते हैं कि तुम 6 महीने तक के लिए इस रिश्ते को निभाओ, और तुम्हारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इन 6 महीनों तक ये रिश्ता बिल्कुल न टूटे। और हम जानते हैं कि तुम इस कानून का पालन करोगी, क्योंकि तुम्हारा झगड़ा एक बाप से है, गुरु से नहीं। ठीक है, ये भी कर लेंगे। थैंक यू। अब आईसीयू में जाओ भाई, एक इमरजेंसी है। पेन हो रहा है? अरे आप इनकी वाइफ है, मदद कर दीजिए। जी मुझे ये चोट लगी कैसे? अब आपको याद नहीं है? कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं। आपके छोटे भाई हमारे देवर जी, उनको ना उससे घर उठा के ले गया था, फिर रामलीला मेले में इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन फिर सब घर वालों ने मिलके ना उनको बचा लिया। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, आप अपने दिमाग पर जोर मत डालिए, आप आराम कीजिए, थोड़ा इत्मीनान रखिए, धीरे धीरे इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अरे आप तो इनकी वाइफ है ना, तो इनकी पसंद नापसंद ये तो आप जानती ही होगी। ऐसी बातें कीजिए कि इनका मन हल्का हो जाए, और जल्दी हम इन्हें डिस्चार्ज करने वाले हैं।
अब इनकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इनके आगे का इलाज प्यार और अपनेपन से ही होगा। डॉक्टर साहब, अब हम आपको क्या बताएं कि हमारे बीच में प्यार या अपनापन जैसा कुछ है ही नहीं। अब हम इन्हें झूठ बोल के धोखा कैसे दे सकते हैं? मिस्टर जी, अगर देखा जाए तो आज आपकी ये हालत हमारी वजह से हुई है। हम आपको ठीक करने के लिए ना कुछ भी कर देंगे, झूठ भी बोलेंगे, धोखा भी देंगे, और जब आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी ना, तो आप हमारे गुनाहों में से इसे भी जोड़ लीजिएगा। हम आपकी नज़र में तो पहले से ही बुरे हैं ना, तो एक इल्जाम और सही। सृष्टि जी, हमारा बहुत सारा समय ना समझी में गुजरा है। सृष्टि जी, अब हम ना सच में जिम्मेदार होना चाहते हैं। हम ना आपके साथ रहना चाहते हैं। सृष्टि जी, प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। अरे जब तुम जाना ही नहीं चाहती थी तो जाने का नाटक करने का जरूरी था? हमारे बेटे का दिमाग के साथ काहे खेल रही हो? सृष्टि जी, आप ना बाकी सारी बातें भूल जाइए। आप बस हमें एक प्रार्थना सुन लीजिए। हमें एक बार मौका दीजिए अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। हम आपको है ना कभी नाराज नहीं होने देंगे। विष्णु जी, आपको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हम आपके साथ हैं और आपकी तरक्की में भी आपका पूरा साथ देंगे। सृष्टि जी, आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम ना हमारे रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। आपको है ना हम अपनी हरकतों से साबित कर देंगे कि हम आपके काबिल हैं। तुम चाहे जितना भी वादा करार कर लो, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे कि तुम एक महीना भी इस घर में नहीं रह पाओगी। 6 महीना तो बहुत दूर का बात है।